नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय मरी, जय मशानी, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल माता काली से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आपके परिवार के ऊपर अपने हमेशा कृपा बना के रखे। आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, हर रोग हर दोष हर बीमारी से बचा रहे और आपके बच्चे खूब पढ़ाई खूब तरक्की करें। यही महाकाली शमशान काली से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए माता मसाणी की एक पावरफुल साधना लेकर आया हूँ। इस साधना को बिना गुरु के ना छेड़े, गुरु की इजाज़त से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें, गुरु के साथ रहकर करें। वैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, साधना कोई भी करे गुरु की इजाज़त से करे, गुरु के आशीर्वाद से करे, गुरु के साथ रहकर करे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बात और बताऊंगा इस साधना को बताने से पहले। अगर आप भाइयों को, आप सब बहनों को हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। और मैं उन नए साधक और नई साधिकाओं से भी प्रार्थना करूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो से नए नए जुड़े हैं या हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो वो भी हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें ताकि आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, नई नई जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बार माता मसाणी का एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को ध्यान से सुने, फिर मैं आपको इसकी विधि बताऊँगा। हार भरा मोतियों का डिब्बी भरी संदूर दी, आ माँ मसाणी हाजिर हो जरूर। मेरी पुकारी हाजिर ना हो तो मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, अमर सिंह बादशाह फुरे मंत्र सिद्ध बादशाह, मेरा काम ना करे तो लूणा चुमारी के कुंड में पड़े। चले मंत्र फुरे बादशाह, देखो माँ मसाणी तेरे शब्द चोट का तमाशा। मेरी चलाई ना चले तो, मेरी बुलाई ना आए तो, गुरु गोरखनाथ जी की आन पड़े, शिव शंकर जी की जटा टूट धरती पर गिरे। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो माँ मसाणी हाजिर हो। यह मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को एक बार और सुन ले। हार भरा मोतियाँ दा डिब्बी भरी संदूर दी, आ माँ मसाणी हाजिर हो जरूर। मेरी पुकारी हाजिर ना हो तो मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, अमर सिंह बादशाह फुरे मंत्र सिद्ध बादशाह, मेरा काम ना करे तो लूणा चमारी के कुंड में पड़े। चले मंत्र फुरे बादशाह, देखो माँ मसाणी तेरे शब्द चोट का तमाशा। मेरी चलाई ना चले तो, मेरी बुलाई ना आए तो, गुरु गोरखनाथ जी की आन पड़े, शिव शंकर जी की जटा टूट धरती पर गिरे। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो माँ मसाणी हाजिर हो। यह मंत्र था दोस्तों। अब इस मंत्र को आपने क्या करना है, किसी भी शनिवार से या किसी भी मंगलवार से आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, माता मसाणी के नाम से सात रंग की मिठाई, दो मीठे पान, सात लौंग, सात इलायची और सात पतासे और एक माता रानी का 16 सिंगार और सात गुलाब के फूल, एक देसी का पौवा और दो बूंदी के लड्डू, ये सामान आपने चौराहे पे या खाली मैदान पे या किसी नदी के किनारे या शमशान में जाके रखना है, पहले शनिवार को या पहले मंगलवार को जिस टाइम इसको शुरू करोगे। यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। 21 दिन के अंदर अंदर माता आपके सामने प्रकट जरूर होगी। इस सामान को आप चौराहे पे भी रख सकते हो, खाली मैदान में भी रख सकते हो, नदी के किनारे पे भी जाके रख सकते हो और शमशान में भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, घर आके माता मसाणी की फोटो रखे एक बैजोट पर, उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा बिछाएं, काला कपड़ा बिछाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पांच गुलाब के फूल रखें, पांच लौंग, पांच इलायची भी रखें साथ में। फिर काले हकीक की माला से जो मंत्र मैंने बताया इसकी कम से कम दो माला जाप करें। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ख्वाजा जी की भी हाजिरी देनी है। इससे पहले आपने क्या करना है, ख्वाजा जी महाराज के नाम से 1.25 किलो
मीठे चावल बनाए, उसके ऊपर आपने दो बूंदी के लड्डू, पांच पतासे, पांच लौंग और एक मीठा पान, पांच अगरबत्ती, एक सरसों के तेल का चार मुखी दीपक जलाकर चलते पानी में छोड़ दे और ख्वाजा जी महाराज से माता मसाणी की साधना की इजाज़त ले, ठीक है। और उसके बाद आपने इस साधना को शुरू करना है। यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। सबसे पहले साधना करने से पहले आसन जाप, गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर किलन मंत्र ये जरूर करें। इसके बाद ही आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आप इस साधना को बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के आप स्वयं जिम्मेवार बनोगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। साधना कोई भी करे, गुरु बनाकर करे, गुरु की इजाज़त से करे, गुरु के आशीर्वाद से करे। अगर आप बिना गुरु के कोई भी साधना करोगे तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधना बिना गुरु के कभी सफल नहीं होती। साधना तभी सफल होगी जब आपके पास गुरु होगा, गुरु का दिया सिद्ध गुरु मंत्र होगा, गुरु का दिया आसन जाप होगा, गुरु का दिया शरीर किलन मंत्र होगा, तभी आपकी साधना सफल होगी, यानी आपकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो लोग बिना गुरु के साधना करने की कोशिश करेंगे या जो लोग बिना गुरु के साधना करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ नुकसान उठाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बिना गुरु के कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती। अगर बिना गुरु के साधना सफल होने लगी तो मैं आपको एक ही बात दोबारा फिर कहूँगा कि इस भारत का हर आदमी तांत्रिक होता, हर आदमी एक ज्योतिषी पंडित विद्वान होता अगर बिना गुरु के कोई साधना होती। तो वही बात है भाई, साधना करो, बिना गुरु के ना करो, गुरु की इजाज़त से करो, गुरु के आशीर्वाद से करो और गुरु बनाकर ही साधना करो। बिना गुरु के कभी भी कोई साधना सफल नहीं होगी और ना कभी होगी। अब मैं एक बात और कहूँगा आपसे, अगर आप भाइयों को गुरु दीक्षा लेकर कोई साधना करनी है, गुरु दीक्षा लेकर साधना में आगे बढ़ना है, तो पहले आप गुरु मंत्र ले, आसन जाप ले और शरीर किलन मंत्र ले, तभी आप साधना करें। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है या कोई साधना सीखनी है तो हर शनिवार को करनाल में गुरु दीक्षा दी जाती है। हर शनिवार करनाल में आइए, आपको गुरु दीक्षा देंगे। हमारा गुरु दीक्षा को कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ ऐसा है, एक फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी अपनी पासपोर्ट साइज और 501 रुपया आपको सिर्फ फार्म का देना पड़ेगा, बस। हमारा कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। ना हम साधना सिखाने का कोई पैसा लेते, ना हम गुरु दीक्षा का कोई पैसा लेते। हर हाँ, अगर किसी ने अपना घर का इलाज करवाना, हमारे घर का इलाज का भी कोई पैसा नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई भेंट पूजा निकलती है किसी मुर्गे की, बकरे की, मिंडे की, शराब की या सात रंग की मिठाई की, वो आपको देनी पड़ेगी। हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर आप हमारे पास आके गुरु दीक्षा नहीं ले सकते या आप हमारे पास घर का इलाज करवाने नहीं आ सकते तो आप हमारे को आप अपने घर भी बुला सकते हो। आपको सिर्फ हमारा गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा किलोमीटर के हिसाब से, और हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे को अपने घर में बुला के गुरु दीक्षा लेना चाहते हो या अपने घर का इलाज करवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ हमारा गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा जो किलोमीटर के हिसाब से बनेगा, और हमारा कोई भी खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप भाइयों को हमारी यह वीडियो, हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय माँ काली, जय शमशान काली, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय।